हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है विद्यारंभ। अब आज जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास है और इसका जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। 2021 में किन किन बच्चों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि क्या होता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, किन किन को मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। विद्यारंभ, आइए करें विद्या की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असाधारण योग्यताओं एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को पहचान प्रदान करने हेतु 1996 में यह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शुरू किया था। इस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। अब जो नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों वाले बच्चे, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता तथा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को यह पहचान प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब पात्रता की बात करें तो ऐसे बच्चे जो भारत के नागरिक हैं तथा भारत में ही रहते हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं, जिनकी आयु 5 साल से अधिक किंतु 18 साल से अधिक न हो, ऐसे बच्चे इस पुरस्कार के पात्र हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी पात्रता की। अब बात करते हैं किस क्षेत्र में उस बच्चे को यह पुरस्कार वितरित किया जाएगा। जैसे नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी, इस प्रकार के क्षेत्रों में बच्चे को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार की। यह पुरस्कार व्यक्तिगत दिया जाता है और संस्थागत दिया जाता है। व्यक्तिगत ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 7 वर्ष के लिए बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्रों में बच्चों की सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अब बात करते हैं हम पात्रता की। अब जो राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार है ये केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के और भारत के निवासी होना जरूरी है, वो भारत में रहने वाले होने चाहिए, उन्हें ही ये मिलेगी। अब बात करते हैं किस क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। देखिए, न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना इन्हें जरूरी है। और किस क्षेत्र में? बाल कल्याण के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, बाल संरक्षण के क्षेत्र में, बाल विकास, बाल कल्याण, बाल संरक्षण के क्षेत्र में इन्हें 7 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, तभी इन्हें बाल कल्याण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अब बात करते हैं संस्थागत पुरस्कार वितरण की। संस्थागत ये पुरस्कार ऐसी संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने 10 साल बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य किया हो और उससे इन पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो। अब देखिए, ये संस्था की पात्रता की बात करें तो संस्था सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, संस्था 10 वर्षों से बाल कल्याण के क्षेत्र में ही कार्यरत हो या फिर उसने 10 वर्ष ऐसे योगदान दिए हो जिससे कि बाल कल्याण, बाल संरक्षण, बाल विकास का कार्य हुआ हो या फिर उनपे सकारात्मक प्रभाव डला हो जिससे कि उनका कल्याण, उनका विकास या उनका संरक्षण हुआ हो, ऐसी संस्थाओं को यह पुरस्कार मिलेगा या वह इसके पात्र होंगे। तो अब आइए बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है 2021 में। कुल 32 बच्चे हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अब बात करते हैं इनमें से उन बच्चों की जो कि मध्य प्रदेश से यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यह 2 ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक नया आयाम, एक नई पहचान, एक नया अस्तित्व गढ़ा है। पहली पलक शर्मा और दूसरी अनुज जैन। पलक शर्मा ने खेल श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है। इंदौर के श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली यह छात्रा 2019 में बेंगलुरु में आयोजित एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला गोताखोर बनी।
दूसरे जो हैं वो है अनुज जैन। हरदा के अनुज जैन को शैक्षिक उपलब्धि की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने कई वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में उन्होंने 3 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। उन्हें रसायन विज्ञान की मानक परीक्षा में शीर्ष पर और मानसिक अंक गणित प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रखा गया है। प्रत्येक विजेता को 1,00,000 का नकद पुरस्कार और 1 प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार से हटकर उन व्यक्तियों की जिन्होंने भी एक नए आयाम, एक नई पहचान प्राप्त की है। पूजा सहरिया। पूजा सहरिया कॉलेज जाने वाली सहरिया जनजाति की पहली बालिका बनी। इशिता विश्वकर्मा। इशिता विश्वकर्मा वह जिन्होंने मध्य प्रदेश लाडो अभियान के ब्रॉड एम्बेसडर, जो कि निवासी है जबलपुर और सारेगामा लिटिल चैंप 2019 की फाइनलिस्ट भी रही है। संजय यादव। मध्य प्रदेश में COVID-19 की सबसे पहली वैक्सीन जिन्हें लगी वो संजय यादव है। संजय यादव वर्तमान में हमदिया अस्पताल भोपाल में वार्ड बॉय हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों की। पहला प्रश्न आज के सेशन का आपके सामने, मध्य प्रदेश से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला पलक शर्मा, दूसरा अनुज जैन, तीसरा पूजा सहरिया या चौथा पहला और दूसरा दोनों। जल्दी बताइए, पलक शर्मा, अनुज जैन, पूजा सहरिया या फिर पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों। तो जिन्होंने आंसर बता दिया उनके लिए आंसर बता दूं, पहला और दूसरा पलक शर्मा और अनुज जैन दोनों ही इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं 2021 में। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, पलक शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? पलक शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने, गोताखोर, कराटे, पर्वतारोही, नृत्य कला। तो जिन्होंने आंसर बता दिया है उनके लिए आंसर बता दूं मैं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, गोताखोर। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, कॉलेज जाने वाली पहली सहरिया जनजाति की बालिका है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, कॉलेज जाने वाली पहली सहरिया जनजाति की बालिका है। ऑप्शन पूजा, ज्योति, पलक, इशिता। अब जिन्होंने आंसर बता दिया है उनके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, पूजा, पूजा सहरिया। आते हैं अगले प्रश्न पर, मध्य प्रदेश में COVID-19 वैक्सीन की सबसे पहली डोज किसे लगी? पहली डोज किसे लगी? ऑप्शन आपके सामने, संजय सिंह, दूसरा ऑप्शन संजय गुप्ता, तीसरा ऑप्शन संजय यादव, चौथा ऑप्शन संजय राम। जल्दी बताइए, जिन्होंने आंसर बता दिया उनके लिए मैं आंसर बता दूं, संजय यादव। संजय यादव इज करेक्ट आंसर, जो कि वर्तमान में अहमदिया हॉस्पिटल में, भोपाल के अहमदिया हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश लाडो अभियान की ब्रॉड एम्बेसडर है। ऑप्शन आपके सामने, इशिता विश्वकर्मा, पूजा सहरिया, पलक शर्मा या कोई नहीं। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। अब जो लोग कमेंट कर चुके हैं उनके लिए आंसर बता दें, इशिता विश्वकर्मा, इशिता विश्वकर्मा इज अ राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और इस सेशन के आखिरी प्रश्न की, इशिता विश्वकर्मा को किस मंच से प्रसिद्धि मिली? आपके सामने ऑप्शन, इंडियन आइडल, सारेगामा पा लिटिल, डांस इंडिया डांस, कौन बनेगा करोड़पति। जल्दी बताइए, कमेंट करिए। अब जो लोग बता चुके हैं उनके लिए आंसर बता दें, सारेगामा पा लिटिल चैंप, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।